तो एक वृहत कार्यक्रम जिसको हम साल भर तक चलाते थे, अब केवल हमारा पहले नकल भी परीक्षा कराना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है जहां पर अध्यापक की कमी है उनके अध्यापक की कमी को पूरा किया जाए। अगले उसमें हम अपने जो खाली पद है आयोग से हमने अनुरोध किया है कि वो खाली पदों की भर्ती तत्काल प्रारंभ करें और उसको हम युद्ध स्तर पर पूरा कराने जा रहे हैं। साथ में जो जहां पर हमारे परमानेंट टीचर नहीं है वहां सेवानिवृत्त और जो हमारा उच्च है उसमें हम टीचर्स को कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उनको हम कह रहे हैं। तो मेरा अगला चरण जो है, अगला दौर पूरे वर्ष का है, पठन पाठन की प्रक्रिया ठीक हो और जिससे हमारे जो विद्यालय हैं वो देश में एक स्थान प्राप्त करें, हमारे जो विश्वविद्यालय हैं ग्रेडिंग में वो पूरे देश में उनका एक स्थान बन सके, ये भी हमने अपने उनसे अपेक्षा की है। ये भी है 10,000 से ऊपर को उन्होंने पदों को विज्ञापित करके उनकी परीक्षा हो गई है, जो हमारे उसका रिजल्ट आने वाला है माध्यमिक शिक्षा परिषद में, लगभग 13,000 के आसपास में समझता हूँ 12,900 है जो उच्च शिक्षा में है वो भी विज्ञापित होकर उनकी अभी परीक्षा हो चुकी है, उनके भी रिजल्ट आने बाकी है। अब जो रिक्त पद बचेंगे उनको हम पुनः अध्याचित करने की प्रक्रिया प्रारंभ है, वो ऑनलाइन पूरे विश्व को नहीं पूरे देश को देखने की उनको सुविधा मिलेगी। तो आज का मकसद हमारा क्यों इतना था कि मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ और उपस्थित होने के बाद में हमारा शैक्षिक कैलेंडर क्या होगा, हमारा पठन पाठन कब से शुरू होगा, हमारी परीक्षाएं कब शुरू होंगी, परीक्षाओं में हम अपनी नया क्या करने जा रहे हैं, हमारा विजन है कि हमने रोजगार पर शिक्षाओं के कोर्सेज भी जोड़े हैं और अब पढ़ते पढ़ते व्यक्ति रोजगार भी पा जाए, इसके विपरीत हमने इंटर क्लासेस में भी खासतौर से किए।